ऐसा शक रहेगा ना किसी के ऊपर तो खोल के चेक कर ले। मैंने नहीं बोला। केव है वो। वाओ ये देखिए चर्च है अंदर। मैं आधे घंटे से रेडी हूँ और इसको कुछ एडिट कर रहे हैं, कुछ तो करना है। व्हाट अ लवली नाइट। और मस्त तो नींद आई है ना इतनी अच्छे से, जैसे किरण बोलती एकदम बेबी जैसे हम लोग सोए थे। 11:30 बजे सोए थे कल, भिंडी खा के मस्त। तो ये फ्रेश एयर में सोते हैं ना तो एक बॉडी में अच्छा अच्छा लगता है। तो अभी बीच पे जाऊंगा इसको छोड़ के, ये आ नहीं रही है। चल बाय। हाँ जब पकड़ में आ, ये लॉक करता है जाना। टुडेज थर्ड डे इन गोवा। हम लोग रीवा बीच रिसोर्ट में रुके हैं, मस्त लग रहा है एकदम। यहाँ पे देखो पूल भी है। कौन सा मच्छी है इसको पूरा ये कौवे ने खा डाला अभी, जिस कौवा आ रहा था। मस्त कैलोरीज बर्न करके आया। किरण बोली थी आऊँगी, आई नहीं, आलसी। अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। ये किरण को बहुत पसंद है सब लोग, मस्त है लोग। हाँ तो उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। इस 3 दिन से रहे हैं, इसको कुछ डायरेक्शन का पता नहीं रहता है। ऐसे ये एक्टिंग था ना, अभी ऐसे गिरी है। अच्छा मुझे लगा ऐसे, अभी दिखा रही कि कैसा गिरी थी। तो अभी आप लोग को एकदम अच्छी जगह लेके जा रहे हैं आप लोग को, तो स्टे ट्यून्ड रहिए। हाँ डायरेक्शन लेस इधर, ये साइड में इधर से। तो वी आर समवेयर नियर आरंबोल। ये आरंबोल की गलियां है, मांद्रेम से निकल के, मांद्रेम मैंड्रेम वॉट एवर यू कॉल इट। लगी है भूख हम लोग को, तो पहले भूख मिटाएंगे पेट की, फिर चलेंगे जहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ पे जाने वाले हम लोग तिराकोल, 13 किलोमीटर 24 मिनट्स। तिराकोल थोड़ा बाद में जाएंगे, इधर क्वेरम बीच है 3 किलोमीटर है, तो वहाँ पर चलते हैं। दिस इज लाइक एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ है, एंड आई थिंक तिराकोल फोर्ट इज इन महाराष्ट्र, और वो तिराकोल बीच इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। ये मस्त है, फिशिंग कर रहे अंकल मस्त एकदम। और यहाँ से भी एक बता रहे फेरी से आप तिराकोल जा सकते हो, तिराकोल फोर्ट के लिए। बट अभी फेरी कितना टाइम लगेगा, है अवेलेबल नहीं है, वो अभी आगे जाके पता चलेगा। जगलिंग कर रहे बंदा। इधर वो केव भी था ना, केव किधर है? केव तो इधर पास में और दूर है। अच्छा तो राइट लेके अंदर जा, इधर एक पुल है, उधर से वहां पे कुछ वो केव के लिए जाना पड़ता है। नाइस बीच ना, मस्त है ना। अरे देख वो जो है ना वहाँ पे केव है, वो वाला, ये अपना मरीन ड्राइव जैसा किया ना, फोन संभाल के। तो ये केव वाला रास्ता है, रुक इधर एडवेंचर है। हाँ सब शैक्स बंद है, ऑफ सीजन ना। काला बादल एकदम जोर से बरसने वाला है, और ये दिख रहा है ये केव है। तो अभी वहाँ पे एक बोर्ड है,
येलो कलर का बोर्ड, तो वहाँ पे उसके आगे जा नहीं सकते, तो हम लोग सोच रहे फिर अभी जाए क्यों। बट बहुत क्वाइट और बहुत अच्छा बीच है। क्वेरम बीच वॉज रियली नाइस, मस्त क्वाइट बीच। अभी खाना खाने चलते, चल। आजोबा देवस्थान कुछ मंदिर है, अच्छा मंदिर है, इसका हेयर स्टाइल अच्छा है। फूड इज म्यूजिक टू द बॉडी, म्यूजिक इज फूड टू द हार्ट, द बेली रूल्स द माइंड। हाँ डेफिनेटली, गुड फूड इज गुड मूड, यस। चलो मूड बनाते हैं। क्लोज्ड है, मूड नहीं बनेगा। मतलब तेरा कॉल करने है ना? क्या नहीं, इधर घूम ही रहे है ना? नहीं नहीं, रेनकोट है इसमें। हाँ मराठी है, कोल्हापुर तेज झाला, तमाजा झाला ना, सेम झाला। नाही ना, थोडं ओलवायला आलं। खोल के देख लो। हाँ शक पुलिस वाले को लगा नीमों में दारू भर के लेके जा रहे हम लोग, बोला कर लो चेक जो करना है, दबा के देख रहे थे। का एंट्री, और ये देखो किरण वहां से घूम के जा रही है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ये बीच है, ब्यूटीफुल ना, चलो अंदर घुसते हैं। संदूक, संदूक में तुझे बंद करके मैं इधर छोड़ जाऊंगा, संदूक को ताला लगा के छोड़ दूंगा। वाह ये देखिए चर्च है अंदर, नाइस। फोर्ट के अंदर चर्च है। ये देखो गिलहरी, स्क्विरल, स्क्विरल और एक स्क्विरल, वो खाने के लिए भी आ जाएंगी, खाने के लिए पार्टनर है। तो कुटला बीच है तो वाला, अच्छा तो कैरम में था। हाँ तो वो वाला कैरम बीच था, और वो देखो वो केव, तो वहाँ से ये वो फेरी लग के यहाँ से आ जाता है। सी फूड सैलड ऑर्डर किया है विथ क्लैम्स, प्रॉन फिश एंड कैलमरी ऑल मिक्सड विथ टमाटोज। किरण बोल रही थी हम लोग को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, बिकॉज इसी व्यू के साथ हम लोग को खाने का था। हाँ उस पर स्टेप्स पे अच्छा लिखा था। वंडरफुल लंच या फिर इवनिंग, क्या बोलते हैं इसको, सुबह और दोपहर वाला ब्रंच बोलते हैं, इवनिंग वाले को क्या बोलते हैं, हाई टी वाला। बहुत मजा, बहुत। अरे यार क्या लोकेशन था, मतलब कुछ कुछ चीजें लिखी होती वहाँ पे, इतना अच्छा था वो। हम लोग वहाँ पे, वो जो टर्न था वहाँ पे जस्ट गए और किचन बंद कर दिया उन्होंने। ये लिखा हुआ था हमारे मैसेज में कि वो व्यू के साथ, कभी कभी कुछ कुछ चीजें लोग बोलते हैं ना लिखी हुई होती है, ये सच्ची में लिखा हुआ है, ये सच्ची में लिखा हुआ। अब यहाँ से और एक जगह से ना सब वॉकी वॉकी है, एंड देन वो क्लिप से नीचे देख सकते हैं हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, ये वाला है पाथवे या यहाँ से जा सकते हैं है। हम लोग यहाँ से आए और ये देखो यहाँ पे किरण है, और ये देखो क्या लवली बीच है ये, और ये वॉक एकदम 2 मिनट का वॉक था और यहाँ पे पहुंच गए।
गलत था, ये बहुत अच्छा व्यू था, बहुत सारी मेमोरीज बनाई। वही तो अपने यहाँ पे पॉपुलेशन है तो वो सेंस सिखाना। वापस लेके जाओ, ये देखो बैग भर के इसने सब बियर रखा है, इसने सब पिया हुआ। नहीं यार कैमरा है। पक्का कैमरा है, ड्रोन है क्या यार? ठीक है चलेगा, मान गए। What a wonderful evening, God. Thank you, Patidev. फोर्स किया उसने। हम लोग उधर एक क्या बीच था, सिंचम बीच, क्वेरम बीच गए थे। मैं कोई भी नाम को कुछ भी सिंचन क्यों नहीं बोल दिया मैं, ये अच्छा स्पेशलिटी है मेरी। सचिन मेरे को बोला वहाँ वो बीच पे लेकर गया, बोले अरे अभी जाना है क्या, चल निकलते। तो बोलता नहीं मैं तेरे को लेकर जाता हूँ, मैंने देखा है तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसने जो बोला था ना, एक एक वर्ड ही अधर्ड टू इट। और सीरियसली आई हैड ब्लास्ट ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तब हम ये वाले फोर्ट तिराकोल हेरिटेज होटल में रहेंगे। बहुत सही है, हम लोग ने रूम्स भी देख लिया एंड वन ऑफ द बेस्ट कैफे, फूड सैलड, सी फूड सैलड जैसा होता है ना, जो अपने मुंबई में बोलते हैं और जो इधर बोलते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मुंबई में जो बोलते हैं ना वो सिर्फ है ना आपको लेट्यूस और आपको एक दो फिश बासा का डालकर दे देंगे, बट यहाँ पर जब उन्होंने सी फूड सैलड बोला ना तो उसमें श्रिम्स था, शेल्स था, उसमें कालामारी था, उसमें गोवन का लोकल, हाँ सब कुछ था उसमें, विथ लॉट्स ऑफ पत्ते और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्ता, नॉट ओनली लेट्यूस बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्ता। मुझे नाम भी नहीं पता बट एक मिंट टाइप्स का टेस्ट आ रहा था। वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस सैलड, मैं अगर एक सैलड के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन आपको दे सकती हूँ मतलब आप समझ जाओ कि कितना डिलीशियस था। अनदर थिंग, इफ यू आर हियर इन गोवा ओनली फॉर 2 days, मेक श्योर इन नॉर्थ गोवा स्पेशली, अगर आप सिर्फ 2 दिनों के लिए है, मेक श्योर करना कि आपको यहाँ पर ये तिराकोल फोर्ट पे आना ही आना। कोई भी चीज मिस कर सकते हो बट यहाँ पर सनसेट देखने के लिए जरूर आए। नवंबर दिसंबर का टाइम बहुत सही रहेगा, नहीं तो बाकी टाइम बहुत गर्मी होगी, थोड़ा चलना पड़ता है फॉर 7-8 मिनट्स के लिए चलना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ वॉकिंग टू दैट क्लिफ। वो क्लिफ से भी आगे जहाँ हम लोग रुके थे ना, वो क्लिफ से भी आगे आप जा सकते हो जहाँ पर और भी ज्यादा क्लिफ पे लोग बैठे थे और वो बहुत डेंजरस लग रहा था हम लोग को, लेकिन हम लोग को चलने का मन नहीं था बिकॉज वी वेर इन चप्पल, शूज तो था नहीं हम लोग के पास। सो अगर नॉर्थ गोवा में हो तो सबसे टॉप प्रायोरिटी आप तिराकोल को दो टू व्यू दिस बीच 15 किलोमीटर फ्रॉम मैंड्रम, यहाँ पे आ जाओ, बहुत मस्त है ये सीजन। आई वुड सजेस्ट कि रेनी सीजन में आओ, हार्डली कोई पब्लिक थी यहाँ पे, बट बाकी सीजन में भी आ ही सकते हो, बट वी लव्ड इट, ग्रीनरी बहुत अच्छा, वेदर भी मस्त था, हम लोग गीले भी हुए थे मस्त। तिराकोल हो गया, देन क्वेरिम आपको केव देखने नहीं मिलेगी बारिश की वजह से। नॉर्मल सीजन में आओगे तो केव तक चले जा सकते हो बट वो रश बहुत हो जाता है, मैंने उसके फोटो वीडियो देखे थे, वहां पे भी काफी थ्रैश करके रखा है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल बीच। वो ये जो रेस्टोरेंट था वहां से वो बीच दिखता भी है, बहुत अच्छी कोस्ट लाइन है एंड ऊपर से पूरा ये फ्लैट माउंटेन है। देन अरम्बोल काफी क्राउडेड हो गया, आई वुड कीप दैट एज अ फोर्थ ऑप्शन। एंड मैंड्रम में रीवा बीच रिसोर्ट में हम लोग लास्ट 3 दिन से हम लोग अपना क्या बोलते हैं ना, हम लोग का तंबू गाड़ के बैठे हैं, तो रीवा बीच रिसोर्ट काफी अच्छा है, वहां पे ब्रेकफास्ट स्प्रेड एंड ऑल, फूड इज रियली गुड देयर। और होटल से हम लोग का रिसोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच है, रिवर में कायकिंग वगैरह करके जा सकते हो। सो नॉर्थ गोवा में हो तो ये सब चीजें कर सकते हो। इवनिंग में आप लोग, हम लोग ओम लॉन करके जगह है जो अनूप एंड निकिता ने हम लोग को लेके गया था, फिश इज एक्सीलेंट, काफी वैल्यू फॉर मनी है। और ये फोर्ट तिराकोल में आओगे तो ऑब्वियसली व्यू का पैसा आपको डबल देना पड़ेगा, यू विल नॉट माइंड दैट। 950 का सैलड था बट द सैलड वॉज रियली अमेजिंग। उसके बाद में अगर आपको क्लबिंग पसंद है तो टीटोस जा सकते हो, या फिर यहाँ पे सौरो करके क्लब है वो भी आप जा सकते हो। तो गूगल करो, जो जो चीजें मैंने बोल दिया आप लोग को मिल जाएगी सब चीजें। वी हैड अ ब्लास्ट, अभी घर जाएंगे, अभी हम लोग रूम जाएंगे, ऑब्वियसली 3-4 दिन जहाँ पे रुकते हैं ना वहाँ पे घर वाला फीलिंग आ जाता है, तो अभी रूम पे जाएंगे एंड टुमारो वी आर हेडिंग बैक टू मुंबई। So if you like this video, make sure you like, share, subscribe. Do not forget to put a small comment, ek heart de do, acha lagta hai. Make sure to always wear a helmet and keep roaming. Okay.